दुर्ग जिले के ग्राम पचांदूर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के आंदोलनरत पूर्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर समर्थन देने के लिए पावर हाउस क्षेत्र के व्यापारियों से अपील की है, जिसके लिए कर्मचारियों का समूह पावर हाउस के व्यापारियों से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उनकी मांगों का समर्थन करने की अपील की है। मैं धनुष कुमार साहू, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ, कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मजदूर कार्यकर्ता समिति से कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ आज पावर हाउस मार्केट में व्यापारियों का मदद मांगने आए हैं अपने आंदोलन के समर्थन के लिए, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज में हम लोग पिछले 2013 से 8-9 साल से काम कर रहे थे, एक कर्मचारी, उनको सरकार ने अधिग्रहण करने के बाद हम लोग को काम से बाहर निकाल दिया है, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और सड़क में भी लड़ रहे हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग आंदोलनरत हैं, हमें किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिली है। पिछले 6 महीने से कॉलेज के सामने ही हम लोग पंडाल बनाकर वहाँ पे आंदोलनरत है और लोगों के द्वारा सहानुभूति पूर्वक जो भी आर्थिक मदद मिलता है उसी के पैसे से खिचड़ी बनाकर अपने आंदोलन खा रहे हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ व्यापारियों का हमें पूरा समर्थन भी कहा है। व्यापारी लोग का भी कहना है कि अधिग्रहण करने के बाद पूर्व कर्मचारियों का बिल्कुल रोजगार दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे और उनको अनुभवी भी है। तो ऐसे में मैं सरकार से अपील करता हूँ हमारी समस्या को समझते हुए बात करें और हमारे रोजगार की समस्या को दूर करें और हमारा समझ